अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दस्तरखान। आज हम हमारे दस्तरखान में बना रहे मेरी रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ी देर में तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास लाल लाल गाजर है, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब इसको हम ग्रेट करेंगे ग्रेटर से, और सारे गाजर को हम फटाफट ग्रेट करके बताते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये गाजर है, मैंने धो के साफ़ कर ली है, इसको ग्रेट कर लिया है, बहुत अच्छे से बारीक बारीक हो गई है। इसको मैंने पैन गरम रखा है, इसको मैं पैन में डाल दूँगी। सिर्फ गाजर डालेंगे पहले, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। मैंने गाजर डाल दी है, इसमें मैं डालूँगी ये 250 ग्राम चीनी और 5 से 6 इलायची थी, मैंने खोल के इस तरह डाल दी है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। सिर्फ इसमें मैंने चीनी डाली है, गाजर डाले हैं और इलायची डाली है। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे हम। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी और गाजरों को, ताकि ये चीनी घुलेगी, गाजर का पानी निकलेगा। इसको ढक के रख देंगे तो ये अच्छे से, गाजर भी गल जाएगी इसी पानी में और चीनी भी घुल जाएगी। तो इसको हम ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारी गाजर हमने ढक के रख दी है। ये साथ ही मैंने हल्की आंच पे दूध गर्म रखा है 1 किलो, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। खोया बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे ये वाला दूध, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत खोए की शक्ल में आ जाएगा। फिर ये वाला दूध हम इसमें ऐड करेंगे। ये 1 किलो था, ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दिया है पकने के लिए। ठीक है, ये हमने जो दूध गाढ़ा करने रखा था, इसका कलर भी चेंज हो गया और बहुत ज़्यादा ये थिक हो रहा है। ये देखो, ये बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था तो ये अच्छा सा इसका कलर भी चेंज हो गया और ये गाढ़ा हो गया है। और ये हमारा हलवा जो हमने रखा था सिर्फ चीनी और इलायची डाल के, बिल्कुल ड्राई हो गया है और बहुत ही मज़े का ये गल गया है पूरा। अब इसमें मैं ये दूध डाल दूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, देखें पूरा जल रहा है ये, बिल्कुल ये खुश्क हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें ये वाला दूध डाल दूँगी जो हमने गाढ़ा किया था। इसको मिक्स कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए फिर से पकने छोड़ देंगे ताकि ये दूध के साथ भी अच्छे से पक जाए। बिल्कुल इसको मैंने दूध के अंदर अच्छे से इसको डाल दिया है दूध, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये इसमें पकेगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम। हमने इसमें जो दूध डाला था गाढ़ा करके, वो भी सारा इसमें ड्राई हो गया है, पूरा मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी ये 150 ग्राम मेरे पास है देसी घी। अखरोट और बादाम मोटे कटे हुए, इसको अच्छे से अभी घी के साथ भुनाई होगी। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से, कि एकदम घुल जाए गाजर, एकदम मावे की तरह बिल्कुल मैश हो जाए, वो दूध और जो हमने मावा बनाया था दूध का उसके साथ बिल्कुल घुल जाए। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। इसमें मैं 50 ग्राम घी अब ऐड करूँगी फिर से। बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, बहुत ही अच्छे से। जितना अच्छा ये घुलेगा, जितना अच्छा भुनाई होगी इसकी, इसमें से इतनी अच्छी बहुत प्यारी सी खुशबू निकलेगी और बहुत ये टेस्टी बनेगा।
घर में हलवा अक्सर पहाड़ जैसा नहीं होता है, इसी वजह से कि हम भुनाई में कमी छोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं भूनते हैं, इसी वजह से ये पहाड़ जैसा नहीं होता, इसका टेक्सचर पहाड़ जैसा नहीं होता है। अब ये बहुत अच्छा सा ये भुन गया है, इसमें मैं सिर्फ मावा ऐड करूँगी और इसको मावा डालने के बाद सिर्फ हम मिक्स करेंगे। इसमें मैं कुल टोटल 250 ग्राम मावा डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं अभी डालूँगी, थोड़ा ऊपर गार्निश के लिए रखूँगी मैं। इसको अब भूनना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से और चूल्हा कर देंगे हम बंद। ये देखिए मावे की शक्ल बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। ये अब इसको सर्व करते हैं, इस पे मावा डाल देंगे। ये मैंने हलवा इसमें डाल दिया था, इसको अच्छे से यूँ सेट कर दिया है। हलवा डालने के बाद अब इस पे मावा डाल देंगे। अब ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा आपको, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसमें इतना सारा हमने घी डाला है, इतना सारा हमने इसमें मावा, खोया और बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, बहुत मज़े का बनेगा घर में ही। ये हमने सारा मावा इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का हम सेट करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का, हल्के हाथ से बिल्कुल। अब इस पे इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इस पे हम चांदी का वरक लगाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगाएं, नहीं है तो सोख के लगाने से बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लगता है ये। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसके ऊपर और थोड़े से मैं काजू और बादाम डाल दूंगी। बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा बना है ये, और ज़रूर ट्राई करना आप। ये देखिए आप, बिल्कुल बाज़ार जैसा और बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी से। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो दुआओं में याद करना। अल्लाह हाफिज़।